विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले वीडियो से हम कोशिका का चैप्टर लिए हुए हैं। कोशिका में अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने बताई, कोशिका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में अंतर और कोशिका की संरचना, पादप कोशिका की संरचना के बारे में। अब आगे चलते हैं तो कोशिका में जो मुख्य भाग है वो तीन भागों में कोशिका को बांट के अध्ययन करेंगे हम। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा है उसका इम्पोर्टेंट भाग केंद्र। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स कोशिका और प्लाज्म मीन्स द्रव अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है। आमतौर से केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो भी मटेरियल, जो भी समस्त मटेरियल कोशिका में पाया जाता है उसमें कोशिका भी निलंबित रहते हैं यानी डूबे रहते हैं, एक तरह से कहे मिले रहते हैं। उस पूरे के पूरे पदार्थ को हम कोशिका द्रव कहते हैं। सामान्य भाषा में केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में वो संपूर्ण भाग जिसमें कोशिकांग भी निलंबित रहते हैं क्या कोशिका द्रव कहलाता है। सबसे पहले स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट हुए हैं, स्ट्रासबर्गर वैसे तो इससे पहले भी खोज चलती रही लेकिन स्ट्रासबर्गर ने जीव द्रव्य को कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव दो भागों में विभाजित किया कि उसने बताया कि कोशिका में जो पाया जाने वाला द्रव है वो अलग है और जो केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव है वो अलग है। तो स्ट्रासबर्ग को सबसे पहले श्रेय जाता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में विभाजित करने का इस साइटोप्लाज्म को या जीव द्रव। कोशिका द्रव कोशिका के बाहर की ओर देखा जाए तो अधिक दृढ़ होता है, अधिक विस्कस होता है यानी एक तरह से उसमें सघनता पाई जाती है और उस पोर्शन को हम एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं और एक्टोप्लाज्म को प्लाज्मा जेल भी कहा जाता है। यानी जो बाहर की कोशिका के बाहर की भित्ति की ओर पाया जाने वाला डेंस होता है, सघन होता है और इसे हम एक तरह से एक्टोप्लाज्म या बाह्य द्रव भी कहते हैं। सघन होने के साथ साथ इसे सामान्य रूप से प्लाज्मा जेल के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो अंदर की ओर पाया जाता है वो छितरा हुआ रहता है, बिखरा रहता है, उसकी विस्कोसिटी श्यानता कम होती है, अलग अलग होता है और उसे हम प्लाज्मा टोल कहते हैं। यानी दो भागों में बांट के इसका अध्ययन हम कर सकते हैं, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल जो बाह्य भित्ति के आसपास पाया जाता है, सघन होता है, डेंस होता है, विस्कोसिटी अधिक होती है, उसे हम बाह्य कोशिका द्रव या एक्टोप्लाज्म कहते हैं तथा जो अंदर की ओर पाया जाता है हल्का होता है, बिखरा रहता है, पार्टिकल अलग अलग रहते हैं, उसे हम एंडोप्लाज्म या प्लाज्मा सोल भी कहते हैं। अब बात आती है प्लाज्मा सोल और प्लाज्मा जेल के, ये तो दो प्रकार में बांट दिया इसको हमने अध्ययन की दृष्टि से। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, रासायनिक संगठन कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती है, उसे कहा गया है रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जीव द्रव द्रव अर्थात इसमें 75-90% तक की मात्रा जल की होती है, जल पाया जाता है और जो बचा हुआ 25-10% तक का पदार्थ है वो उसमें आपके कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों में यदि लिए जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वसा, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और जो विशेष रूप से न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। संचित पदार्थों के रूप में यदि इसमें जिक्र करें हम जो कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं वो विशेष प्रकार से मंड, ग्लाइकोजन, वसा और प्रोटीन्स के रूप में होते हैं और इन सभी की दशा कोलाइडी होती है। कोलाइडी एक इस तरह का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की दशा है
जिसमें ना तो द्रव के पार्टिकल्स होते ना ठोस के पार्टिकल्स होते, दोनों के बीच की अवस्था को हम कोलोइडी अवस्था कहते हैं। उसके पार्टिकल्स द्रव से सघन होते हैं और ठोस से विरल होते हैं, ढीले होते हैं, इसलिए इसकी अवस्था को कोलोइडी अवस्था कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए गए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, न्यूक्लियो प्रोटीन हो, डीएनए आरएनए हो, वो सभी कोलोइडी अवस्था में पाए जाते हैं। ये तो थे केमिकल कंपोजिशन और इसकी संरचना के बारे में। बात अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है कोशिका में, कोशिका द्रव के कार्य, कोशिका द्रव के कार्य या इम्पोर्टेंस, कोशिका द्रव के कार्य, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर कहा जाए कि महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले विभिन्न पोषक पदार्थों का, जो जितने भी उपापचीय पदार्थ हैं, उनका अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकाओं के जो संबंध है उनके बीच में तालमेल बनाए रखना, उपापचीय पदार्थों का वितरण करना अंदर से बाहर के अंगकों के लिए और बाहर से अंगकों अंदर के अंगकों के लिए आदान प्रदान करता है उपापचीय पदार्थों का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है जैव संश्लेषण तथा आक्षीकरण। ये जो क्रियाएं होती है, जो उपापचीय क्रियाएं हैं जैव संश्लेषण की और आक्षीकरण की, विशेष रूप से इसमें ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो जीव द्रव में ही संपन्न होती है। और तीसरा कोशिकाओं के जो पदार्थ हैं, जो कोशिका द्रव में पदार्थ हैं, सेल में आने जाने वाले पदार्थ हैं, उनका नियमन करता है। और चौथा तथा इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है अंत वातावरण, यानी जो हमारा साइटोप्लाज्म का अंत वातावरण है, एंडो एनवायरमेंट है और एक्जो एनवायरमेंट है, उसके बीच में तालमेल बनाए रखता है। अब बात आती है कि इसको, इसकी संरचना और केमिकल कंपोजिशनों के आधार पर दो प्रकार की कोशिकीय द्रवों में हम बांटते हैं, एक तो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग है और दूसरा उपापचयी निष्क्रिय कोशिकांग है। पहला उपापचयी सक्रिय कोशिकांग, उपापचयी सक्रिय कोशिकांग, एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स, तथा दूसरा उपापचयी इनएक्टिव या अक्रिय, उपापचयी अक्रिय कोशिकांग या निष्क्रिय कोशिकांग भी इन्हें कहा जाता है, इनएक्टिव कोशिकांग और एक्टिव कोशिकांग। बड़ी लंबी सीरीज है, एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। एक्टिव कोशिकांगों में बता दें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लार्वा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो एंड सो, और उपापचयी निष्क्रिय पदार्थों में बता दें जैसे वसा, प्रोटीन्स और टैनिन, रेजिन, गोंद वगैरह का संचय। इनको विस्तार से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चैनल देखिए। और अब चूंकि इस तरह का संक्रमण काल चल रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि ये घर बैठे क्लास के लिए सबसे अच्छा चैनल आपको मिलेगा। आप अच्छी तरह से देखेंगे वीडियो को तो समझ में भी आएगा। समझते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो देखिए, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। क्योंकि जैसे ही मौसम शांत होगा, कोरोना से लोकबाग भय कम होगा, तुरंत आपकी परीक्षाएं होंगी, तो घर बैठ के तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।